हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं पांच पत्ती फर्राटा का स्टेटस का बाइंडिंग डाटा। दोस्तों, इसका स्टम्पिंग साइज 1 इंच है। पांच पत्ती फर्राटे में हम इसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये 1440 आरपीएम का मोटर है, 1 मिनट में 1400 चक्कर लगाती है ये, इसलिए इसमें पांच पत्ती का प्रयोग किया जाता है। जिसमें दो पत्ती होते हैं दोस्तों, उसमें 2800 आरपीएम का मोटर स्टम्पिंग उसमें प्रयोग किया जाता है मोटर। दोस्तों, कुछ इसकी हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। इसकी स्टम्पिंग साइज है 1 इंच, 24 स्लॉट, पिच 1 से 4, 1 से 6। दोस्तों, जो हम इसे बाइंडिंग करेंगे, कृपया आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही गजब का डाटा बताने वाला हूं। यदि आपके यहां कहीं भी ग्राहक आपसे शिकायत करता है कि बिजली ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, जैसे आप बांध के दे दिए एक बार, जल गई फिर पुनः, तो आप उस पर ध्यान दें क्यों जल क्यों रही है। जलने का मुख्य कारण होता है या तो ज़्यादा कंडेंसर लगाना, या तो दोस्तों एक वजह एक हो सकती है कि वहाँ पे ग्राहक के यहाँ जहाँ फैन चला रहा है वहाँ बिजली ज़्यादा है। जहाँ बिजली बिजली ज़्यादा हो दोस्तों, वहाँ पे आप ये डाटा प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, डाटा इसका कुछ इस प्रकार है। पिच 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। SWG 30 नंबर दोस्तों, टर्न 160, चार चार लच्छी का कॉयल बना लें, गोला कॉयल, 1 राउंड और 2 राउंड, 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड घुमाना है। दोस्तों, ये डाटा ही बहुत ही गजब है। एलुमिनियम 30 नंबर, और आप 30 नंबर स्टार्टिंग में भी यही सेम डालना है आपको, और रनिंग में भी डालना है। एक डाटा और होता है दोस्तों 32 का, 30-32 का, लेकिन वो भी सक्सेस है, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेस मुझे ये लगता है दोस्तों, मैं ज़्यादातर यही ग्राहक को भरता हूँ। अच्छा रिजल्ट है इस डाटे का। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हम इसको कॉमन कैसे बनाते हैं कनेक्शन इसका, क्योंकि इसमें हमने 4 वायर निकाल रखा है, लेड 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। रनिंग में हमने रेड कलर का निकाल रखा है, स्टार्टिंग में काला कलर का। दोस्तों, फिटिंग करने के बाद हमें पेपर जो हमारा रहता है उसे दबा लेना है, जो ऊपर से पेपर, नहीं तो कभी क्या फिट कर देते उसके बाद चलाना खर 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 की आवाज़ आती है। फिट करने के बाद हम कस लेंगे दोस्तों, फ्री हो जाएगा हमारा मोटर। जब फ्री हो जाएगा तो हम सबसे पहले सीरीज द्वारा या मल्टीमीटर द्वारा शॉट को चेक करेंगे, बॉडी से चेक करेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों, मैं आप ध्यान से देखें, कनेक्शन इसका कर रहा हूं दोस्तों, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, यानी एक काला एक लाल, ये दोनों तार को पकड़ कर एक कर देना है आपको। बचेगा आपके पास 2 वायर, एक काला एक लाल। कंडेंसर में हमारे 2 वायर होते हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, एक लाल पे लगा देना है, एक काले पे लगा देना है, हमारा कनेक्शन पूरा हुआ। यदि उल्टा चलता है, क्योंकि मुझे ये क्लॉक वाइज चलाना है, यदि आपका मोटर इस प्रकार कनेक्शन पे एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, आपको करना क्या है, सिर्फ एक काला और लाल जो आपने कॉमन किया है, वो काला को उठा के उस दूसरे स्थानांतरित कर देना है दोस्तों। जो काला आप कंडेंसर पे ये देख रहे हैं, जहाँ हमने टिप मैं अभी मार रहा हूँ दोस्तों, सेम इसी जगह आपको कॉमन वाला जो काला है स्थानांतरित कर देना है, बदल देना दोस्तों, दिशा बदल जाएगी मोटर की। अभी हम कनेक्शन करेंगे, आप देखें कैसे कॉमन में एक हम लीड वायर का मेन लगा के टेप कर दिए दोस्तों। अभी एक
हमारा जो स्विच है, स्विच से एक सब न्यूट्रल आ रहा है, दोस्तों आपको टेप अच्छे से लगाना है, इन बातों सेफ्टी का आप विशेष ध्यान दें, मोटर जलेगी क्या होगी वो ठीक है, आप कुछ भी हो लेकिन आप सबसे प्राथमिकता आप सेफ्टी को दें, क्योंकि ग्राहक के यहाँ यदि किसी को झटका लग गया तो अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए उससे ग्राहक टूटेंगे आपके, क्योंकि जितना अच्छा सर्विस आप ग्राहक को देंगे उतना ज़्यादा आपके ग्राहक बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।